खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं अवतार सिंह ढिल्लों। सब तो पहला खास खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश विच दे लोकां नाल अपने विचार सांझे करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि आत्म निर्भरता कोई विकल्प नहीं सगों तेजी नाल बदल रहे आलमी परिप्रेक्ष्य विच इक जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 मैंबरां नूं पत्र लिखा ते आउंदी नवी दिल्ली शिखर मीटिंग दौरान अफ्रीकी यूनियन लई पूरी मैंबरशिप की तजवीज की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सरकार के 9 साल पूरे होने मौके पार्टी की देश पदरी मुहिम के हिस्से वजो अज गुरदासपुर विच एक जनतक रैली नूं संबोधन करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी तो मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश विचले लोकां नाल अपने विचार सांझे करनगे। यह प्रोग्राम अज सवेरे 11 बजे प्रसारित होगा ते यह हर महीने प्रसारित होने वाले इस रेडियो प्रोग्राम का 102वां अंक होगा। इस प्रोग्राम नूं आकाशवाणी दूरदर्शन ते नरेंद्र मोदी ऐप के पूरे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा। इस प्रोग्राम नूं आकाशवाणी दूरदर्शन ते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों ते लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के छेती बाद इस प्रोग्राम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी की संभाली जागरूकता फैलाने वास्ते कहा। उन्होंने बारिश के पानी की संभाल बारे जागरूकता फैलाने लई नुक्कड़ नाटक करने वास्ते अरुणाचल प्रदेश के पछमी कमेंग जिले के नेहरू युवा केन्द्र तो स्वय सेवकों की तारीफ की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के एक ट्वीट के प्रतिक्रम विच प्रधानमंत्री ने कहा कि अजिहियां कोशिशां काबिले तारीफ ने ते वक् वक् मुद्दियां ते जागरूकता फैलाने विच मददगार ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्म निर्भरता एक विकल्प नहीं सगों एक जरूरत है क्योंकि भारत अपनियां सरहदां ते दुगने खतरियां अजोकी तेज रफ्तार नाल बदल रहे विश्व विच उभर रहे नवें जंगी पहलुआं दा सामना कर रहा है। वह कल लखनऊ विच आत्म निर्भर भारत ते एक रक्षा गलबात विखे बोल रहे सन। श्री सिंह ने एक मजबूत ते आत्म निर्भर फौज नूं एक प्रभुसत्ता वाले देश की रीढ़ वजों करार दिता जो कि सरहदां की राखी करने दे नाल नाल देश की सभ्यता ते सभ्याचार की भी राखी करती है। उन्होंने जोर देके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप हेठ सरकार ए यकीनी बना रही है कि हथियारबंद फौजां विदेशी हथियारां ते साजो समान ते निर्भर नहीं ने अते जोर देके कहा कि असल ताकत आत्म निर्भर बन विच है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत अते वियतनाम दरम्यान रक्षा सहयोग नूं होर हलारा देण लई कल वियतनाम दे राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वांग ग्यांग नाल दुवली गलबात करनगे। गलबात दौरान दोवें धिरां आपसी हितां दे खेतरी ते आलमी मुद्दयां ते भी विचार वटांदरा करनगियां। श्री ग्यांग अज तों भारत दे 2 दिनां सरकारी दौरे ते होणगे। वियतनाम दे राष्ट्रीय रक्षा मंत्री भारत विच दौरे दौरान आगरा भी जाणगे। भारत अते वियतनाम एक व्यापक नीतिगत भाईवाली सांझी कर सकदे ने ते दुवाले रक्षा संबंध इस सांझेदारी दे मजबूत थम ने। सेवावां, फौज तो फौज दे तबादले, उच्च पदरी दौरियां, समर्था निर्माण, सिखलाई प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र अमन कार्रवाईयां विच सहयोग ते दुवाले अभ्यासां विचकार व्यापक संपर्कां नूं शामल करन लई दोहां देशां विचकार रक्षा रुझेवियां विच भिन्नता आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 हम अहुदेदारां नूं पत्र लिखा है ते उन्हां नूं तजवीज़ कीती है कि अफ्रीकी यूनियन नूं G20 की आउंदी दिल्ली शिखर मीटिंग विखे उन्हां वल्लों कीती बेनती मुताबक पूरी मैंबरशिप दित्ती जावे। हल्कियां ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मामले की जोरदार वकालत की है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच ते अफ्रीका की आवाज बुलंद करन ते इस सांझे विश्व के भविख नूं नुहार देण ते एक दलेर कदम चुकया है। हल्कियां ने यह भी कहा कि एक न्यायपूर्ण जायज़ ते वधेरे समावेशी ते आलमी ढांचे ते शासन की नुमाइंदगी करदा एक सही कदम होगा। ये खबरां तुसी आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे हो। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात सरकार ते केंद्रीय एजेंसियां चक्रवाती तूफान विपरजॉय दौरान मनुखी जाना बचाउण विच सफल रहियां ने ते उन्होंने इस नूं टीम वर्क की एक बेमिसाल उदाहरण दस्सिया है। वह कल चक्रवाती तूफान नाल प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद भुजवेक विखे एक प्रैस कांफ्रेंस नूं संबोधन कर रहे सन। श्री शाह ने जानकारी दी है कि 3400 पिंडों में 1600 की बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान कारण लगभग 1,08,000 लोगों को सुरक्षित थावां पर पहुंचाया गया, लगभग 73,000 पशुओं को सुरक्षित थावां पर ले जाया गया। श्री शाह ने
हालत का जायजा लिया तो कच्छ जिले विच मांडवी हस्पताल विच जख्मियों नूं वी मिले। वह मांडवी विखे राहत अते बचाव कार्रवाईयां विच शामिल एनडीआरएफ के मुलाजमान नूं वी मिले तो उन्होंने गलबात की। गृहमंत्री कच्छ जिले के किसानों नूं वी मिले जिन्हां दी फसल चक्रवाती तूफान कारण तबाह हुई है। श्री शाह ने जाखू विखे एक शरण घर का भी दौरा किया। भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि राजस्थान से गुजरात के कुछ थावां से बहुत भारी मीह पैण की संभावना है। राजस्थान विच जलौर बारमेर से सिरोही विखे पहले ही बहुत मीह पै चुका है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने समुची सेहत शासकों लिए सर्व भारतीय आयुर्वेद संस्था की तारीफ की है। डॉ जयशंकर ने कल नवी दिल्ली विच आयुर्वेद संस्था का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश लीडरशिप करके होया है ते आयुर्वेद ने अपनी मौजूदा अहमियत हासिल की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अज गुरदासपुर विच एक जनतक रैली नूं संबोधन करनगे। सरकार दे 9 साल सेवा सुशासन ते गरीब कल्याण की भारतीय जनता पार्टी की देश पदरी मुहिम के हिस्से वजों ही गुरदासपुर की दाणा मंडी विच इस रैली का प्रबंध किया जा रहा है। गृहमंत्री के आने देखदां जिला प्रशासन भी पूरी तरह चौकस है ते सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए ने। कई होर जिलों तो भी पुलिस मुलाजमान दी ड्यूटियां इत्थे लाईयां गईयां ने। इस दौरान अमृतसर विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं केंद्रीय कानून ते न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच केंद्र सरकार का इको एक टीचा गरीबां दी भलाई ही रहा है। उन्होंने कहा कि इसे मंतव नूं लै के नेकां गरीब भलाई योजनावां लागू कीतीआं गईआं ने ते इन्हां दा लाभ कतार विच खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पिछले 9 सालों विच अर्थव्यवस्था तों लैके सिहत सिक्ख्या ते खेतीबाड़ी दे खेत्र विच बेमिसाल काम कीता गया है। केंद्रीय सेहत अते परिवार भलाई मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच सरकार ने हर नागरिक नूं सुरक्षा बीमा मुहैया करवाउण दे मंतव नाल आयुष्मान भारत योजना शुरू की है ते इस तहत देश विच 60 करोड़ लोगों के कार्ड बनाए गए ने। सरकार दे 9 साल सेवा सुशासन ते गरीब कल्याण जनसंपर्क मुहिम तहत कल लुधियाना विच करवाई गई जनतक रैली नूं संबोधन करदिआं उन्होंने यह जानकारी दित्ती ते दस्सिआ कि सन 2018 तों हुण तक 6 करोड़ नागरिक इस स्कीम का लाहा लै चुके ने। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश विच रोजाना 40 किलोमीटर सड़कां दा निर्माण कर रही है जिहड़ा कि पिछलियां सरकारां दे समय सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही सीमित सी। डॉ मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी नीतियां सदका ही किसानों के खाते में सीधी अदायगी हो रही है ते यूक्रेन रूस जंग दौरान भी किसानों नूं सस्तियां कीमतों ते खाद ते यूरिया मुहैया करवाई जा रही है। G20 के खेतीबाड़ी मंत्रियों की मीटिंग ने खुराक सुरक्षा ते सारयां लई पोषण ते ध्यान देने वाले नतीजा दस्तावेज ते चेयर दे जां प्रधान दे सार नूं स्वीकार किया है। यह 3 दिना मीटिंग कल शाम हैदराबाद में शुरू हुई है। इस नतीजा दस्तावेज विच दक्कन उच्च पदरी सिद्धांत ते मोटे अनाजां ते होर पुरातन अनाजां बारे अंतरराष्ट्रीय खोज पहलकदमी शामिल है। बैडमिंटन विच इंडोनेशिया ओपन के मर्दां दे डबल्स के फाइनल विच अज जकार्ता विच भारत की चिराग शेट्टी ते सात्विक साई राज रानकी रेड्डी की जोड़ी का मलेशिया की पिछली विश्व चैंपियन एरोनशिया सो व्यू यिक की जोड़ी नाल मुकाबला होगा। सैमीफाइनल विच भारतीय जोड़ी ने चेक गणराज कोरिया की कांग म्योंक और स्यू स्योंगी की जोड़ी नूं 17-21-21-19 के फर्क नाल हराया सी। 4 मैचों में विरोधी दक्षिणी कोरिया खिलाफ भारत की तीजी जीत सी। मर्दों के सिंगल्स के सैमीफाइनल में HS प्रणय ने डेनमार्क के विक्टर एक्सलर 21-15-21-15 के फर्क नाल हराया है। आखिर विच खास खबर एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश विचले लोगों नाल अपने विचार सांझे करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि आत्म निर्भरता कोई विकल्प नहीं सगो तेजी नाल बदल रहे आलमी परिपेख विच इक जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 मैंबरां नूं पत्र लिखा ते आउंदी नवीं दिल्ली शिखर मीटिंग दौरान अफ्रीकी यूनियन लई पूरी मैंबरशिप की तजवीज की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सरकार के 9 साल पूरे होने मौके पार्टी की देश पदरी मुहिम के हिस्से वजों अज गुरदासपुर विच इक जनतक रैली नूं संबोधन करनगे। इस दे नाल ही आकाशवाणी तों खबरां दा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है।